रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी हुई है। ये है सुबोध शलाखा के खिलाफ। अब वक्त आ गया है कि मैं शलाखा की असलियत सबके सामने लेकर आऊं। मैं अभी जाके मास्टर जी को शलाखा की सच्चाई बता कर आती हूँ। ऋषि, इस बार माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगी शिकायत का। सुबह और ऋषि भले ही दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, मगर बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसे हमने सुबह और ऋषि की सगाई की थी, वैसे ही कल सुबह और गीत की सगाई हो जाएगी। आजाद परिंदे बनकर तुमने उड़ लिया, अब मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं अब जिंदगी भर कैदी बनकर रहना होगा। तुम्हारे वो दिन गए जब तुम बिना सवाल किए जीते थे, अब जवाब के साथ तैयार रहना होगा। तुमने क्या सोचा था, तुम बच जाओगे? तुम्हारी शादी? नॉनसेंस प्रैंक्स ही उसकी पहचान है मेरे भाई। सॉरी अगर बुरा लगा हो। क्या है, घर में भाई की शादी है और माहौल बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी मस्ती कर लूं बस। वैसे तू माहौल बना रहा था? हाँ। शिव, क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? समझ में नहीं आ रहा राहुल, पता नहीं क्यों, पर जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। बेचैनी? अभी ये लाइन तो लड़की बोलती है शादी से पहले। तो अभी जाके पूरे घर में सबको बताऊंगा। तू कह बेटे, घर में बताने की क्या जरूरत है, तू किसी को कुछ नहीं बता रहा, समझा? हाँ रसिक, आप टेंशन मत लीजिए, सारा इंतजाम हो गया है। आप बस काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाइए। मॉम, मॉम जल्दी यहाँ पे आओ, कुछ काम है। नहीं 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 मॉम, कुछ राहुल बात करनी है। मॉम जल्दी आओ, जल्दी राहुल। राहुल तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं तो बताऊंगा। तू बताएगा तो बहुत पीटेगा। ए, पहले पकड़ के तो दिखा। क्या कर रही हो तुम लोग? अरे सुनो, पता है अभी मुझसे क्या कह रहा था? क्या? शादी से पहले ना मेरी बेचैनी बहुत बढ़ रही है। क्या बोल ऋषि, क्या बोल रहा है राहुल? कुछ नहीं मॉम, आप जानती ना राहुल कैसा है, आप इसकी मत सुनो। क्या हो गया ऋषि को? सगाई से पहले बेचैनी? नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? शलाखा ने एक बार फिर मास्टर जी को रो धोकर मना लिया। ये तो सब उल्टा हो गया। जितना हम ऋषि को शलाखा के खिलाफ कर रहे थे, सारी उम्मीदें, वो सारी कोशिशें बेकार हो गई। परेशानी तो इस बात की है दादाजी कि अब आगे हम क्या करेंगे। एक तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं शलाखा को फोन करके धमकी देता हूँ कि वो अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाए, वरना मैं उसके सारे राज खोल दूंगा। क्या बात है दादाजी? अरे उसने मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है। शलाखा बहुत चाहते रहे दादाजी, इन धमकियों से बचने के लिए अब उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा हुआ जो फोन स्विच ऑफ कर दिया,
थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन राहत तो मिली, वरना पता नहीं वो कॉलर कब फोन करता, धमकाता और क्या कुछ करने के लिए कहता। यस, चला था। इला भाभी आइए, ये देखो शलाक, ये नेकलेस मम्मी जी ने ऋषि भाई की होने वाली दुल्हन के लिए बनाया है और आज तुम्हें सगाई में यही पहनना है। वाव इला भाभी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सुबह के लिए भी ऐसा ही बनवाया? अरे नहीं नहीं, हाँ उसके लिए इतना महंगा बनवाने की क्या जरूरत है। शलाका, सुबह के लिए ना इससे भी बहुत महंगा सेट बनवाया है। मम्मी जी का कहना है कि शादी के बाद तो तुम इसी घर में बहू बनकर आने वाली हो ना, और सुबह सुबह अपने ससुराल जाएगी तो सारी चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए। और वैसे भी गीत का स्टेटस और रुतबा हमसे कई ज्यादा है। मम्मी जी और ऋषि भाई ने कहा है कि सुबह के लिए महंगे से महंगी चीजें आएंगी, चाहे फिर वो जेवर हो या साड़ियां। चलो चलो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, कम। काकी, ये नेकलेस तो बहुत महंगा होगा, इतना महंगा नेकलेस बनवाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे मास्टर जी ने कहा है, उसने कहा है कि सुबह की सगाई में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ आज मुझे मास्टर जी के लिए नहीं बल्कि गीत के लिए तैयार किया जा रहा है। खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। कौन है? ऋषि, क्या देख रहा है? देख, तेरी शिष्या कितनी सुंदर दिख रही है। सच में सुबह बहुत अच्छी लग रही है तू। गीत तो बस आज अपनी दुल्हन को देखते ही रह जाएगा। सिर्फ गीत ही क्यों, हर कोई इसे देखते रह जाएगा। मां, ऋषि, हम दोनों का एक फोटो खींचना। हाँ। ये देखिए माँ। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है तू। हाँ, एक सेल्फी मेरे साथ भी हो जाए। इसमें पूछ क्या आ रहा है? तेरी शिष्य तुझे मना थोड़ी करने वाली है। चल, ले लो सेल्फी। अरे चलो भैया, जल्दी जल्दी आज चलाओ, सब लोग आते ही होंगे। अरे वाह राहुल भाई,
इतनी जिम्मेदारी संभाल ली आपने कि मुझे लगता है कि अब ऋषि भाई के बाद आपका ही नंबर आने वाला है। अरे इला भाभी, ऐसे सपने मत दिखाओ, मुझे शादी वादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों भाई? वो तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक आपको आपकी ड्रीम गर्ल नहीं मिली। एक बार वो मिल जाएगी ना, तब देखना एक ही चीज की रट लगाओगे, कोई मेरी शादी करवाओ। बिल्कुल सही कहा इलावा, जैसे ही ऋषि की शादी हो जाती है ना, छह महीने के अंदर इसकी शादी ना करवा दी ना, तो याद रखना। तो फिर मैं आज से ही अपना मिशन शुरू कर देती हूँ, सर्च फॉर देवरानी। अरे बाप रे, राहुल भागो यहाँ से। इलावा, शलाका तैयार हो गई है, आधे घंटे में सगाई का मुहूर्त है। हाँ मम्मी जी, वो तैयार हो गई है। हाय ऋषि, ये लीजिए, गीत और आंटी जी भी आ गए। नमस्ते आंटी जी। सुखी, आइए आइए, पधारिए, आइए। नमस्ते। आपने न्योता देकर हमें बुलाया है तो आएंगे ही ना? आइए कहेंगे तो ही आएंगे, वैसा थोड़ी ना है। गीत, ये तो अभी से घबरा गए। वो क्या है ना माँ, अभी इन्हें आपके इंटेलिजेंट पीजेस की आदत नहीं हुई है ना, तो इनसे कहो कि आदत डाल दे। हाँ तो संदन जी। जी गीत, मैं इन्हें संधन जी कह सकती हूँ ना? जी हाँ बिल्कुल। हाँ तो संधन जी, आई होप कि सगाई की रस्म के लिए आप तैयार हैं। वो क्या है ना, मुहूर्त में मुझे देरी पसंद नहीं है। संधन जी, सारी तैयारियां हो चुकी है, पंडित जी बस आते ही होंगे। आप आइए बैठिए। ऋषि, सुबह कहीं नजर नहीं आई? वो तैयार हो चुकी है, बस आती ही होगी। लुकिंग सो गॉर्जियस यार, मैंने आज तक किसी को इतना बदलते हुए नहीं देखा, है ना गीत? Isn't she looking beautiful? नहीं राहुल, ब्यूटीफुल शब्द बहुत छोटा है मेरी शुभा की खूबसूरती को बयां करने के लिए। I'm sorry, but बुरा मत मानना यार, आज मेरी दुल्हन तेरी वाली दुल्हन से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है ना? गीत, मानना पड़ेगा। हाँ बेटा, सुभाषिनी को पसंद करके जिंदगी का सबसे खूबसूरत और बढ़िया फैसला लिया है तूने। सुभाषिनी, तुमने सुना माँ ने क्या कहा? इफ यू गाइस डोंट माइंड, जब तक ये सगाई का प्रोग्राम की तैयारियां चल रही है तो अपने होने वाली दुल्हन को बाहर गार्डन में ले जा सकता हूं? Hey gorgeous lady, if you allow, क्या हम बाहर गार्डन में चल सकते हैं? जा बेटी, अब कुछ ही दिनों में 7 जन्मों के बंधन में मेरे बेटे से बनने वाली हो, फिर उसके पीछे ही चलना है। ऋषि शलाका, आप लोग भी चलिए प्लीज। हाँ हाँ आइए, कम। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यह बाहर क्यों लेकर आया हूं? यू नो, हमेशा से मेरा एक ड्रीम था, जो बाकी सब लोगों को थोड़ा सा फिल्मी लगे, बट दैट्स ट्रू। यू नो,
मैं हमेशा से चाहता था कि अपने होने वाली दुल्हन को इस खुले आसमान के नीचे अपनी शादी का पहला गिफ्ट देकर मैं प्रपोज करूं। और आज मैं वो ड्रीम पूरा करना चाहता हूं। सुभाषिनी, तुम वो नायाब हीरा हो जिसके सामने इस दुनिया के हर हीरे की चमक फीकी पड़ जाती। लेकिन फिर भी मैं ये छोटी सी डायमंड रिंग देने की गुस्ताखी करके तुमसे पूछना चाहता हूं, विल यू प्लीज मैरी मी? कह दो ना सुबह। चाहे मुझे जिंदगी भर यहीं बैठना क्यों ना पड़े, पर मैं तुम्हारी हाँ सुने बिना यहां से नहीं हटूंगा। क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारे मास्टर जी की परमिशन चाहिए? एक मिनट ऋषि, अरे इसे परमिशन देना, वरना मैं जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रह जाऊंगा यार। हाँ कह दो ना सुबह। लगता है मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। सुबह एटलीस्ट गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लो। अगर ये आपका ऑर्डर है मास्टर जी तो मैं ये गिफ्ट ले लूंगी, पर सुबह इस जन्म में आपके सिवा किसी और की नहीं हो सकती। क्या था ऋषि, उसने तेरा ऑर्डर माना या मेरा प्रपोजल? शायद दोनों। तो फिर वो ऐसे अंदर क्यों चली गई यार? शर्मा गई हो। हाय, उसकी इसी अदा पे तो मरता हूं मैं यार। तो मैं उसे इसकी हां समझूं? हाँ। ये अगर उसके मुंह से सुना होता ना, लाइफ बन जाती यार, वरना तो लाइफ लॉन्ग कुंवारा रह जाता। शलाका, गीत को कॉन्ग्रेचुलेट तो करो। कॉन्ग्रेट्स। बस ऋषि, तुम्हें गीत से कुछ सीखना चाहिए। तुमने देखा ना कितनी महंगी रिंग देकर उसने सुबह को प्रपोज किया, मगर तुमने तो क्या क्या कह रही है तुम? I'm sorry ऋषि, मुझे गलत मत समझो। सारी तैयारियां हो चुकी है, पंडित जी भी आते होंगे। आपने क्या सोचा है? सोच रहा हूँ लाडू, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा है। अब फिलहाल तुम बाहर जाओ, उन्हें संभालो,
वहां तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा इस सगाई को तोड़ने के लिए। जल्दी कुछ सोचिए। हाँ मैं तुम्हारे बापूजी को बुला कर लाती सुबह बेटा, आज से तुम्हारा नाम हमारे ऋषि बेटे के साथ जुड़ गया है। आज से तू हमेशा के लिए ऋषि की हो गई। क्या हुआ सुबह? हाँ, तुझे ये सब माहौल देखकर अपनी पुरानी सगाई याद आ गई होगी ना? वो सगाई जो कभी शादी तक पहुंची ही नहीं। कितनी कोशिश की थी ना तूने, पर नाकामयाब रह गए। अब तो ऋषि तुम्हारे बस यादों में ही रहेगा, जिंदगी में नहीं। सुबह तू हार गई, मैं जीत गई। सच बता सुबह, तूने मुझे और ऋषि को अलग करने के लिए बहुत कोशिश की होगी ना? नहीं, मैंने तुमको मास्टर जी से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मास्टर जी को तुमसे बचाने की कोशिश की है, क्योंकि तुम उनके लायक बिल्कुल नहीं हो। हमारी तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है, पंडित जी बस आते ही होंगे। मैं तुम्हारे बापूजी को बुलाकर लाती हूं। हे महादेव, किसी तरह ये रस्म रुकवा दीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए। ऋषि, दादाजी ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। दादाजी बस अपाहिज बनने का नाटक कर रहे हैं। I think she's lost it completely. ऋषि प्लीज। गुस्सा छोड़ दो, चलो हम लोग सगाई की रस्म करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी है कोई रस्म।